हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बनाते हैं खरवस। इसको मराठी में खरवस बोलते हैं, गुजराती में बरी बोलते हैं, मारवाड़ी में भी बरी बोलते हैं, कोंकणी में पोसू बोलते हैं, तमिल में सिंपल बोलते हैं, ऐसे कई नाम है। यहाँ पे 500 ml खरवस के लिए जो दूध होता है वो ले लिया है, ये कोई भी डेयरी में आपको मिल जाएगा। और 150 ग्राम गुड़ लिया है और 200 ग्राम इसमें फुल फैट मिल्क ऐड करना है। इनको हमें मिक्स करना है गुड़ मेल्ट होने तक। और इसे अब हम एक कुकर के बर्तन में ले लेंगे जिसमें हमें 4 सीटी लेनी है। ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया और मैं इसमें डाल रही हूँ और इसकी 4 सीटी ले लूँगी। ये 4 सीटी लेने के बाद नाइफ डाल के हम चेक करेंगे। ये देखिए क्लीन है, मतलब हमारी खरवस रेडी है। सेम हम शक्कर की बना रहे हैं। 500 ग्राम मिल्क लिया है चीक का खरवस के लिए जो होता है, और 150 ग्राम शुगर ली है और 200 ग्राम फुल फैट मिल्क लिया है। इसे भी शक्कर मेल्ट होने तक हमें मिक्स करना है। और जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाती है इसको हमें एक बर्तन में डाल देना है और इसकी भी 4 सीटी ले लेनी है। फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं। इसके ऊपर मैं अब इलायची डाल रही हूँ। आप इसके ऊपर केसर या जायफल भी डाल सकते हैं। ये रेडी है 4 सीटी के बाद। ये देखिए नाइफ कैसे खड़ी रह रही है, मतलब इस ये हमारी खरवस रेडी है। इसको पूरा हमें ठंडा करके फ्रिज में 3 घंटे बाद इसको कट करना है। पहले इसकी साइड्स लूज कर दें और इसको अपने हिसाब से स्क्वायर पीसेस या डायगोनल पीसेस में कट कर लें। मैंने यहाँ स्क्वायर किए हैं। ये गुड़ वाली है, ये देखिए पहले साइड से निकाले और फिर बीच में से निकाले। फ्रेंड्स, बहुत से लोग इसे स्टीम करके भी बनाते हैं, पर मैंने आपको कुकर में 4 सीटी लेके इसलिए बताया कि हम टेंशन फ्री होके इसको सेट अच्छे से कर सकते हैं। तो रेडी है खरवस हमारी। ये देखिए, ये हाँ हमने जो शुगर वाली बनाई थी ये भी रेडी है। इसे भी वैसे ही कट करके सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर टैप करें जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।